हर हफ्ते दो नई मल्टी क्विजीन रेसिपीज को बिल्कुल क्विक, सिंपल और इजी तरीके से घर पर बनाने के लिए माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। पूरे हफ्ते भाग दौड़ के बाद फैमिली मेंबर्स संडे को कुछ स्पेशल खाना पसंद करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम लेडीज संडे को किचन से फटाफट फ्री होकर रिलैक्स करने के मूड में होती हैं। हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माई फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और क्विक संडे ब्रंच कॉम्बो रेसिपीज, जिसमें हम बनाएंगे 10 मिनट में बनने वाले मेथी के पराठे और बहुत ही टेस्टी लौकी का रायता। ये मेथी के पराठे लौकी के रायते के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए जल्दी से हमारा संडे ब्रंच बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स और फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहले हम मेथी के पराठे बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 कप गेहूं का आटा, 2 से 3 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई मेथी, 3 पत्ते वाले प्याज लेकर इसके पत्तों को बारीक काट लेंगे, 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए, इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन वाले प्याज और 2 हरी मिर्च भी बारीक काट कर मिक्स कर लिए हैं, हरा धनिया, आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट, यह ऑप्शनल है, आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, 3 टेबलस्पून बेसन, आधा टीस्पून जीरा और 1 चुटकी सौंफ, आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम आटे में इन सभी चीजों को डाल लेंगे। इसके अलावा इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर, इसकी रेसिपी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। सभी चीजों को एक बार आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। आटे में एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालें। देखिए मेथी का आटा लग गया है। अब इस पर हल्का सा तेल लगाकर इसे 5 से 10 मिनट ढक कर रख देंगे। 10 मिनट बाद थोड़ा सा आटा लेकर इसका गोल पेड़ा बना लेंगे। इस पर सूखा आटा लगाते हुए इसकी गोल चपाती बना लेंगे। रोटी पर लगा सूखा आटा हटा लेंगे। अब हम इसे सेक लेते हैं। पराठा तलने के लिए मैंने तवा पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस गर्म तवे पर मैं इस मेथी के पराठे को डाल दूंगी। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। जब पराठे में नीचे की तरफ लाइट ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं, तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। देखिए इसमें दूसरी तरफ भी लाइट ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब हम इस पर तेल डालकर इसे पलट लेंगे और हल्के से प्रेस करते हुए सुनहरी होने तक सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से इस पर हम तेल लगा लेंगे और पलट कर इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छे से पराठा सिका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के पराठे भी तल लेंगे। ये पराठे बच्चों को टिफिन में बहुत ही पसंद आते हैं। टिफिन में बनाने के लिए आप इसका आटा रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म मेथी के पराठे। अब नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे लौकी का रायता। लौकी का रायता बनाने के लिए हम 250 से 300 ग्राम लौकी लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। अब इस लौकी को हम मोटा मोटा ग्रेट कर लेंगे। देखिए लौकी ग्रेट हो गई है। अब एक बर्तन में 1 कप पानी लेकर इस ग्रेटेड लौकी को इसमें डाल देंगे। अब हम इस लौकी को बॉइल कर लेंगे। देखिए लौकी में उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। देखिए लौकी को मैंने इस तरह के स्ट्रेनर में निकाल लिया है। इसे मैंने 1 से 2 बार ठंडे पानी से निकाल लिया था, जिससे ये लौकी अभी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसे हम एक स्पून से प्रेस करते हुए इसका एक्सेस पानी निकाल लेंगे। आप लौकी को हाथ से दबाकर भी निचोड़ सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, रायते में डालते समय लौकी ठंडी होनी चाहिए। अगर आप दही में गरम लौकी डाल देंगे तो दही पतला पड़ जाएगा। अब हम इसका रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप दही, 1 मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बॉइल्ड लौकी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और सूखा पुदीना। अब हम इन सभी चीज़ों को दही में डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लौकी, फिर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च। अगर आप बच्चों को रायता सर्व कर रहे हैं तो हरी मिर्च छोड़ भी सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, सूखी पुदीना पत्तियाँ, इन पत्तियों को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सा सादा नमक, ध्यान रखिएगा इसमें हमने पहले काला नमक भी ऐड करा हुआ है, तो नमक की क्वांटिटी उस हिसाब से ही डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से दही में खटास कम हो जाती है और रायते में टेस्ट अच्छा आता है। अब एक विस्क लेकर दही को अच्छे से फेंट लेंगे। चीनी दही में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। देखिए दही अच्छे से फेंट गया है। अब इस रायते में हम बगार लगाएंगे। इसके लिए हम 1 टेबलस्पून तेल को गर्म करेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जब जीरा तड़कने लगे तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस तड़के को हम रायते पर डाल देंगे। तो हमारा लौकी का रायता भी बनकर तैयार है। तो इस संडे इस क्विक एंड हेल्दी ब्रंच रेसिपीज, गर्मा गर्म मेथी के पराठे और बहुत ही टेस्टी लौकी के रायते को आप बनाइए और अपना संडे इंजॉय करिए। अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी रेसिपीज़ को रिटर्न में देखने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए फ्लेवरफुल ईटिंग।